Hey guys, assalamu alaikum, shashakal hai, woh par sahi bahut achhe ho gaye, hum bhi bahut achhe hain, main Hurania, main Rohan, aur aap dekh rahe hain Hindustani Couple Reaction, to hum dekhenge aaj video pe ki ek bahut hi कट्टर हिंदू बॉय है उसको मुस्लिम कैसे वो बन गया, किसने बना दिया। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप लोग भी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। देखते हैं क्या स्टोरी था उनका, सुनते हैं आप लोग भी लास्ट तक के, देखो बहुत अमेजिंग स्टोरी होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि इस्लाम दुनिया में मौजूद बाकी तमाम मज़ाहिब से मुख्तलिफ है और सबसे अफजल है। इस्लाम ने इंसान को जो मियार ज़िंदगी दी है उसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती। यही वजह है कि अल्हम्दुलिल्लाह दीन इस्लाम पूरी दुनिया में तेज़ी के साथ फैल रहा है। रोज़ाना लाखों लोग कलमाए हक पढ़कर डायरेक्ट इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं, जिससे इस्लाम दुश्मन अखवाम में तशवीश और डर बढ़ता जा रहा है। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं जब पूरी दुनिया में इस्लाम का बोलबाला होगा। दोस्तों, आज हम आपको इंतहाई हैरत अंगेज वाकया सुनाने जा रहे हैं, जिसने इटली से ताल्लुक रखने वाले फहेश फिल्मों में काम करने वाले शख्स की जिंदगी को बदल कर ही रख दिया। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास ही में बने बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। फहेश फिल्मों में काम करने वाला मार्को फहाशियों और यानी शराब जुआ और नाइट पार्टीज का दीवाना और इस्लाम का सख्त तरीन दुश्मन था। उसने अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा शैतान को खुश करने में गुजारा, लेकिन अचानक अल्लाह ताला ने उसको हिदायत बख्शी और वो मुसलमान हो गया। मार्को का कहना है कि मैं जब कभी किसी मस्जिद के पास से गुजरता तो मुसलमानों को तंग करने के लिए बहुत ऊँची आवाज में म्यूजिक प्ले कर देता। उसका कहना है कि एक दिन जब लंदन की मस्जिद में मुसलमान नमाज अदा कर रहे थे तो मैंने ऊंची आवाज में म्यूजिक चलाया और मैं मस्जिद के अंदर चला गया ताकि देख सकूं मुसलमान कैसा रिएक्ट करते हैं। लेकिन अंदर पहुंचकर मेरी हैरत की इंतहा ना रही जब मैंने देखा कि म्यूजिक का शोर भी मुसलमानों को अपने रब की इबादत से गाफिल नहीं कर रहा है। तो इसी बीच मेरे दिल में ख्याल आया, क्यों ना मैं भी इनकी तरह नमाज पढ़कर देखूं कि मिलता क्या है ऐसा करने से। मार्को कहता है कि मुझे नमाज का तरीका नहीं आता था, न ही ये मालूम था कि पढ़ना क्या है। मेरे साथ एक शख्स नमाज अदा कर रहा था तो मैं भी उसको देखकर वैसे ही रुकू और सुजूद करता रहा। मेरे दिल को धीरे धीरे अजीब सा और अनजाना सा एहसास हुआ जो जिंदगी में मैंने कभी महसूस नहीं किया था। मैंने सोचा कि वाकई कोई ऐसी हस्ती मौजूद है जिसके कब्जाए कुदरत में सब कुछ है, जिसकी मुसलमान इबादत करते हैं। यही वो लम्हा था जब अल्लाह ने मुझे हिदायत बख्शी और मैंने इस्लाम पर तहकीक शुरू कर दी। अगले रोज मैं उसी मस्जिद में दोबारा गया और इस्लाम कबूल कर लिया। मार्को कहता है, जब मैंने इस्लाम कबूल किया तो घर वालों को बताना बहुत मुश्किल काम था, लेकिन अल्लाह पाक ने मेरी मदद की और मैं इस्लाम कबूल करने के बाद पहली बार अपने वतन इटली जा रहा था। घर पहुँच कर मैंने अपनी वालिदा से पूछा कि अगर आपका बेटा सिगरेट और शराब नोशी छोड़ दे, लड़कियों के साथ रातें गुजारना भी तर्क कर दे, नाइट पार्टीज और फहेश काम करना खत्म कर दे और एक अच्छा इंसान बन जाए तो आपको कैसा लगेगा। तो मेरी वालिदा का चेहरा खुशी से चमक उठा और मुझे बोसा करते हुए कहा कि अगर मेरा बेटा ये सब छोड़कर अच्छा इंसान बन जाए तो मेरे लिए इससे खुशी की बात और कोई नहीं हो सकती। मेरी वालिदा खुश होने के साथ काफ़ी हैरान भी थी और मुझे कहा कि मैं हमेशा से ऐसा ही चाहती थी कि तुम बुराई का रास्ता छोड़कर अच्छे इंसान बन जाओ। मैंने फौरन कहा, अब आपका बेटा ऐसा ही करेगा क्योंकि अब मैं मुसलमान हो चुका हूँ, यही इस्लाम है जिसने मुझे हकीकी ज़िंदगी का शऊर दिया। मार्को ने अपने घर वालों को राजी कर लिया और अपना नाम मार्को एंड्रियो से बदलकर मोहम्मद मार्को रख लिया। मार्को ने मजीद घर वालों से कहा कि इस्लाम ही हकीकी दीन है और एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। इसी वजह से मैंने अपनी माजी के हर गलत काम को छोड़ दिया और अल्लाह पाक से सच्चे दिल से तौबा की और अल्लाह से इल्तिजा करता हूँ कि दौरे जहालत में मुझसे जो भी गलतियाँ हुई हों अल्लाह पाक मेरे उन तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दे, आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज के रिवर्ड स्टोरी पसंद। सो गाइस, ये था रिवर्ड स्टोरी, बहुत अमेजिंग था रियली। वो जो लड़का था भाई, वो डिस्को में जाता था, लड़कियों के साथ रहता था, शराब पीता था, पूरी तरीके से गलत चीजें करता था, और फिर उसके बाद वो उसको मुस्लिम हो जाना, और खुद से किसी और ने उसको बोला भी नहीं है कि तुम इस्लाम को देखो पढ़ो समझो,
नहीं, वो खुद से गया है मस्जिद पे और उसने अपने आप ही नमाज पढ़ना स्टार्ट किया। कितनी बड़ी बात है यार, ये सच में अल्लाह की तरफ से उसको था बुलावा, हमारे क्रिएटर की तरफ से ही था। जो क्रिएटर है वही हिदायत देने वाले होते हैं, वही सच्चे सही रास्तों में ले जाने वाले होते हैं। ठीक है, बहुत अमेजिंग वीडियो थी। और फिर उसके अंदर इतना गट्स देखो वो लड़के के अंदर कि वो अपनी फैमिली में भी जाके बोल रहा है कि मैं मुस्लिम हो गया हूँ और सारी चीजें मैं छोड़ दिया। कितनी बड़ी बात है ना, बहुत अमेजिंग वीडियो था गाइस। आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, और अगर आप इस वीडियो पे न्यू होंगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू।